हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में टीवीएस अपाचे सीरीज के सभी बाइकों के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप टीवीएस अपाचे का कोई भी मॉडल लेना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में टीवीएस अपाचे के सभी बाइकों के प्राइस, फीचर और परफॉर्मेंस के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक आपके बजट के अंदर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं टीवीएस अपाचे का सबसे बेस्ट मॉडल टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 BS6। इसमें आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पर्ल व्हाइट, मैट ब्लू, ग्लॉस रेड, ग्लॉस ब्लैक, टी ग्रे और मैट रेड शामिल है। इस बाइक में 159.7 सीसी का SI 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 8400 RPM पर 15.53 PS का पावर और 7000 RPM पर 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें आपको 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डैम्पर और इसके रियर में मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड सॉक्स विद स्प्रिंग एड लगा हुआ है। टायर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और इसके रियर में 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। इस बाइक के फ्रंट में 270mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 200mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन में मिलता है। इस बाइक के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सिंगल चैनल का ABS मिलेगा। इस बाइक में GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दी गई है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप बिना क्लच और थ्रोटल दिए बाइक को 6 to 7 km/h तक की रफ्तार में ट्रैफिक में भी चला सकते हैं। इस बाइक में रेस इंस्पायर्ड डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। इस बाइक में LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प दिया गया है। इसमें आपको शार्प फ्यूल टैंक डिजाइन देखने को मिलता है। इस बाइक में इंजन कॉल भी दिया गया है। ये बाइक 0 to 60 km/h तक की रफ्तार पकड़ने में 5.44 सेकंड का वक्त लेती है। तो ये थे इस बाइक के कुछ फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इनके माइलेज की, तो ये बाइक 45 to 50 km/h तक की अप्रॉक्स माइलेज दे सकती है। इसके कुछ डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 2085mm विथ 730mm, हाइट 1105mm, व्हील बेस 1300mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180mm, सैटेलाइट 790mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर और इस बाइक का कर्वेट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 139kg है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 140kg है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 BS6 का एक्स रूम दिल्ली का प्राइस इसके सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 95,000 रुपीज है और डबल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 98,000 रुपीज तक है। अगर टीवीएस अपाचे सीरीज का आपको सस्ती बाइक चाहिए तो सबसे सस्ती बाइक टीवीएस अपाचे का यही है। तो अगर आपका बजट कम है और आप अपाचे चलाना चाहते हैं तो इस बाइक को आप बेशक खरीद सकते हैं। तो सेकंड नंबर में बात करते हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BS6 की। तो इस बाइक में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मेटेलिक ब्लू, नाइट ब्लैक और रेसिंग रेड में मिल जाएगा। इस बाइक में 159.7 सीसी का SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 8250 RPM पर 16.02 PS का पावर और 7250 RPM पर 14.12 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इस बाइक में भी 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इस बाइक के टायर के साइज की बात करें तो इसके फ्रंट में 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और इसके रियर में 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और 130x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर जो कि ऑप्शन में आपको मिलता है। और इस बाइक के फ्रंट में 270mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 200mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स की, तो इसमें भी सिंगल चैनल का सुपर मोटो ABS दिया गया है। इस बाइक के हेडलैम्प में LED लाइट और LED पोजीशन लाइट दिया गया है। इसमें भी आपको ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिलती है। GTT के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको रेसिंग डबल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें 0 to 60 टाइमर, लैप टाइम और टॉप स्पीड रिकॉर्डर जैसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। इसमें एरोडायनामिक क्लॉ मिरर मिलता है। इसमें अग्रेसिव फ्यूल टैंक कॉल मिलता है। इसमें इंजन कॉल भी दिया गया है। इसमें न्यू रेसिंग सीट और ग्रेबरेल भी मिलता है। अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज की, तो ये भी बाइक आपको 45 to 50 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। बात कर लेते हैं इसके कुछ डायमेंशंस की, तो इसकी लेंथ 2035mm विद 790mm, हाइट 1050mm, व्हील बेस 1357mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180mm, सेडर लाइट 800mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर और इसका कर्वेट सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 147kg और डबल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 149kg है। बात आती है इसके प्राइस की, तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BS6 का एक्स रूम दिल्ली का प्राइस इसके सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 1,950 रुपीज है और इसके डबल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 1,04,000 रुपीज तक है।
थर्ड नंबर बात करते हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 बीएसिक्स की। ये बाइक आपको फोर कलर ऑप्शन पर्ल व्हाइट, मैट ब्लू, ग्लॉस ब्लैक और टी ग्रे में मिल जाएगा। इस बाइक में 177.4 सीसी का एसआई 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड बीएसिक्स कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका ये इंजन 8500 आरपीएम पर 16.79 पीएस का पावर और 7000 आरपीएम पर 15.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें भी 5 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोट्यूब इनवर्टेड गैस फिल्ड शॉक विथ स्प्रिंग एड दिया गया है। टायर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट में 270mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 200mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की तो इसमें सिंगल चैनल का सुपर मोटो ABS दिया गया है। इस बाइक के हेडलैम्प में हेलोजन बल्ब और LED पोजीशन लैंप दिया गया है। इसमें भी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें रेसिंग ग्राफिक्स इसके टैंक पे देखने को मिलता है। इसमें रेस इंस्पायर्ड डिजिटल एनालॉग मीटर दिया गया है। इसमें LED टेल लैंप दिया गया है। इसमें रेसिंग सीट और स्प्लिट ग्रैब रेल दिया गया है और इसमें भी इंजन कॉल लगा हुआ है इंजन की सेफ्टी के लिए। बात करते हैं अगर इसके माइलेज की तो ये बाइक 40 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज आपको दे देगा। इसके कुछ डायमेंशंस की बात करें तो इसका लेंथ 2085mm विद 730mm, हाइट 1105mm, व्हील बेस 1300mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm, सैडल हाइट 790mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर और इसका कर्व वेट 141 kg है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 बीएसिक्स का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,01,450 रुपीज़ तक है। फोर्थ नंबर बात करते हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4B BS6 की। तो ये आपको टू कलर ऑप्शन ग्लॉस ब्लैक और पर्ल व्हाइट में मिल जाएगा। इस बाइक में 197.75 सीसी का एसआई 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका ये इंजन 8500 आरपीएम पर 20.5 पीएस का पावर और 7500 आरपीएम पर 16.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें भी 5 स्पीड तक गियरबॉक्स मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और इसके रियर में मोनोट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। टायर की बात करें तो इसके फ्रंट में 90x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और इसके रियर में 130x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट में 270mm का डिस्क ब्रेक और इसके रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें सेफ्टी के लिए डुअल चैनल का ABS विद RPL कंट्रोल यानी कि रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन कंट्रोल दिया गया है। इस बाइक के हेडलैम्प में LED और LED पोजीशन लैम्प दिया गया है। इसके टेल लैम्प में भी LED लाइट लगा हुआ है। इसमें डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें स्मार्ट एक्स कनेक्शन दिया गया है। इसमें कॉल और SMS नोटिफिकेशन, क्रैश अलर्ट सिस्टम, लो फ्यूल अलर्ट जैसे काफी इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। इसमें रेस ट्यून्ड स्लीपर क्लच मिलता है। इस बाइक में रेस डबल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। इसमें एरोडायनामिक कॉल मिरर मिलता है। इसमें भी इंजन कॉल दिया गया है। इसमें न्यू रेसिंग स्प्लिट सीट भी मिलती है। अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज की तो ये बाइक 35 km/h से लेकर 38 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज दे सकती है। इसके कुछ डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 2050mm विद 790mm, हाइट 1050mm, व्हील बेस 1353mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm, सैडल हाइट 800mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर और इसका कर्व वेट 153 kg है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4B BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1.25 लाख रुपीज तक है। अपाचे सीरीज का आखिरी और इस वीडियो का भी आखिरी बाइक टीवीएस अपाचे RR 310 BS6 के बारे में बात करते हैं। तो ये बाइक आपको टू कलर ऑप्शन टाइटेनियम ब्लैक और रेसिंग रेड में मिल जाएगा। इस बाइक में 312.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड रिवर्स इंक्लाइंड BS6 इंजन दिया गया है और इस बाइक में 4 राइडिंग मोड मिलता है, जिसके वजह से इसका पावर और टॉर्क अलग अलग मोड में अलग अलग है। ये बाइक स्पोर्ट और ट्रैक मोड पर 9700 RPM पर 34 PS का पावर और अर्बन और रेड मोड पर 7600 RPM पर 25.8 PS का पावर जनरेट करता है। अगर इस बाइक के टॉर्क की बात करें तो ये बाइक स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड पर 7700 RPM पर 27.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और अर्बन और रेन मोड पर 6700 RPM पर 25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इस बाइक में 6 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में इन्वर्टेड कार्ट्रिज टेलीस्कोपिक फोर्क और इसके रियर में 2 आर्म एल्यूमिनियम डाई कास्ट स्विंग आर्म मोनोट्यूब फ्लोटिंग पिस्टन गैस असिस्ट शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। टायर और ब्रेक्स की बात करें तो इसके फ्रंट में 110x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और इसके रियर में
150/60 का 17 इंच का टूल स्टार्ट दिया गया है, जिसके फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो इसमें सेफ्टी के लिए डुअल चैनल का ABS दिया गया है, इसमें बाई डायरेक्शनल क्यूक शिफ्टर मिलता है, इस बाइक में बाई LED टिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिया गया है, इसमें थ्रोटल बाई वायर दिया गया है, इसमें एडवांस एरोडायनामिक डिजाइन देखने को मिलता है, इसमें फुल राइडिंग मोड मिलता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें अर्बन, रेड, स्पोर्ट और ट्रैक शामिल है। इस बाइक में 5 इंच का TFT मल्टीफंक्शन डिस्प्ले लगाया गया है, इस डिस्प्ले में डे और नाइट मोड भी दिया गया है। इसके साथ ही इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्शन टेक्नोलॉजी भी दी गई है। TVS कनेक्ट ऐप से स्मार्टफोन को कनेक्ट करके काफी सारे जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। इस बाइक में रेस ट्यून्ड स्लीपर क्लच भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस बाइक के कुछ फीचर्स। अगर माइलेज की बात करें तो ये बाइक 30-34 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे सकता है। इस बाइक की टॉप स्पीड स्पोर्ट और ट्रैक मोड पर 160 kmpl तक है और अर्बन और रेन मोड पर 125 kmps तक है। बात करते हैं इसके कुछ डायमेंशंस की। तो इसकी रेंज 2001 mm विथ 786 mm, हाइट 1135 mm, व्हील बेस 1365 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सैटेलाइट 810 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर और इसका कर वेट 174 kg है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो TVS अपाचे RR310 BS6 का एक्सरोम दिल्ली का प्राइस 2.40 लाख यानी की 2,40,000 रुपए तक है। तो फ्रेंड्स, ये थे TVS अपाचे सीरीज के सभी मॉडल, जिसके बारे में मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी हैं। इस वीडियो में TVS अपाचे मॉडल का सबसे सस्ती बाइक से लेकर सबसे महंगी बाइक के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन बाइकों में से आपके पास कौन सा है, या फिर आप कौन सी लेना चाहते हैं, या फिर आपको कौन सा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।